इतनी बड़ी विक्ट्री, मतलब आपके क्या फीलिंग्स है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी विक्ट्री काफ़ी दिनों बाद हुई है? हाँ, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मैच जितवाया, और ये लड़कों की एफर्ट थी और जो हमने प्लान एक्सिक्यूट किया था उस पर स्टिक किया, और जिस तरह बॉलर्स ने अर्ली ऑन विकेट ली वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। He says that he executed the plans very well. Plans की आपने बात की, शाहीन शाह अफरीदी की बताएं, क्या उन्होंने वो बॉलिंग की आज? हाँ, देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया, अर्ली विकटें हमने लेके दी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस का काफ़ी आया उससे, और उससे उसके बाद फिर जो स्पिनर था, स्पिनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया, और उसके बाद डेथ में हमने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, जो हमने प्लान किया था उसको अप्लाई किया और उसके सामने रिजल्ट आए। सो ओवरऑल बॉलर्स बोल रियली वेल एंड यू गॉट एवरीथिंग टू प्लान एंड देन कम टू द बैटिंग। ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी और रिजवान की, इस टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हो रही थी कि ओपनिंग ही पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज वो दिखी। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्लान होता है अपने आप को सिंपल रखते हैं, और जो हमारी हमने प्लान किया था जिस तरीके से हमने सिक्स ओवर यूटिलाइज़ किया, उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमने ग्रो अप की, और उसके साथ फिर हमने यही कहा था कि हमारा ओवर में 10 से 8 से 10, क्योंकि विकेट अच्छा होता जा रहा था, ड्यू में और शाम में काफ़ी अच्छा आ रहा था बॉल, तो कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा, और रिजल्ट हमारे हाथ में। सो यू बैटेड डीप एंड मेड श्योर दैट यू गेट अप विद द रन रेट एंड गेट दोस बाउंड्रीज अवे। सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, अब जो है ये टूर्नामेंट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी ये शुरुआत है, और पहला मैच हम जीते हैं उससे कॉन्फिडेंस आया, और उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे जाएंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है और आगे काफ़ी मैचेस है, तो हम मैच बाय मैच चल रहे हैं, और कोशिश हमारी ये है कि जिस तरह आज हमने 100% दिया सब ने, अगले मैचों में भी 100% दें। लेकिन कुफर तो टूट गया ये तो अलग का करें। या सो दे स्टिल बिलीव दैट देयर इज लॉन्ग वे टू गो इन द टूर्नामेंट। बाबर थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये बताते चलें कि आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऐसे नहीं हराया था, इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब इस मैच से पहले जो प्रेपरेशन थी इस मैच की उसमें क्या डिस्कस हुआ? प्रेपरेशन हमारी यही थी कि पास जो पीछे गुजर गया उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, और लड़कों में सिर्फ यही जो मेरी बात हो रही थी, जो मैं एज अ कप्तान मैं कोशिश कर रहा था कि इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, इनको बैक किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए होती है, हमने वार्म अप मैचेस खेले, उसके बाद उससे पहले हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ उसमें हमने पूरा 100% दिया, तो बड़े इवेंट से पहले जब अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे मैचेस खेलते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस होता है, और बिल्कुल मैं एज अ कप्तान यही चाहता हूं कि जिस तरह लड़कों ने 100% दिया फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशियां बात। वेल क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस टू द साइड, वेरी वेल डन बाबर, थैंक यू वेरी मच एंड व्हाट अ